छामुमो का सबसे सुरक्षित किला में से एक माने जाने वाला कोल्हान में से जैसे ही निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा ने पलटी मार कमल की सवारी का फैसला किया, इंडिया गठबंधन के अंदर कई सियासतदानों की किस्मत खुलती नजर आई। टिकट की दावेदारी में कई नाम एक साथ सामने आते दिखे, जिसमें दीपक बिरुआ, दशरथ गागराई से लेकर सुखराम उराव का नाम उछलने लगा। और इसके साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता दिखा कि गीता कोड़ा की पलटी के बाद इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी बरकरार रहेगी या फिर बदली परिस्थितियों में यह सीट झामुमो के खाते में जाएगी। और आखिरकार यह सीट झामुमो के हिस्से में ही आई और अब झामुमो की ओर से जोबा मांझी को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया है। और वहीं दूसरी ओर झारखंड निर्माण के बाद झामुमो पहली बार सिंहभूम लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में झामुमो का संगठन नहीं है। दरअसल गठबंधन की राजनीति में सिंहभूम सीट सहयोगी दलों के खाते में चले जाने की वजह से झामुमो लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में झामुमो मजबूती से लड़ता रहा है। हालांकि राजमहल और लोहरदगा की तरह यहां भी जोबा मांझी का नाम के ऐलान के बाद कुछ हलकों से विरोध की खबर भी आई है। इस बात का दावा किया जा रहा है कि यदि इस हो बहुल सीट से किसी हो जनजाति से आने वाले चेहरे को मैदान में उतारा जाता है तो बेहतर होता। ऐसा इसलिए भी कहना सही है क्योंकि कोल्हान में हो जनजाति की बहुलता ज्यादा है। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा भी इसी हो जनजाति से आते हैं और यही उनकी सियासी ताकत मानी जाती है। यही कारण है कि गीता कोड़ा की पलटी के बाद सियासी गलियारों में चैबासा से झामुमो विधायक दीपक बरुआ का नाम तेजी से उछल रहा था। दीपक बिरुआ भी इसी हो जनजाति से आते हैं। हो जनजाति की इस लोकसभा में काफी बड़ी आबादी है। इस हालात में दीपक बिरुआ झामुमो को जीत दिलाने के लिए एक प्रबल दावेदार हो सकते थे, लेकिन पार्टी का एक बड़ा खेमा का मानना था कि दीपक बिरुआ अपने आप को राज्य की राजनीति से बाहर करना नहीं चाहते हैं। उनका पूरा फोकस अपने विधानसभा और राज्य की राजनीति पर है। इसके बाद जो बड़े चेहरे थे उनमें खूंटी लोकसभा के अंतर्गत आने वाला खरसावां विधानसभा से झामुमो विधायक दशरथ गागराई। गागराई की यह बड़ी उपलब्धि थी कि वह 2014 में खरसावां विधानसभा चुनाव में भाजपा के अर्जुन मुंडा को करीबन 12,000 वोटों से हराया था, जबकि इसी खरसावां से अर्जुन मुंडा जेएमएम के तीर कमान पर वर्ष 1995 और 2000 में विधानसभा पहुंचे थे। इसके बावजूद वह 2014 में दशरथ गागराई के हाथों मात खा जाते हैं। इसके बाद जो अंतिम चेहरा बचा था चकरधरपुर विधायक सुखराम उराव का। सुखराम उराव वर्ष 2004 में आजसू के टिकट पर सिंहभूम लोकसभा के चुनाव में उतरे थे। हालांकि वह हार जाते हैं, लेकिन हार के बावजूद भी इन्हें करीबन 72,000 वोट मिला था। पर वह 2013 आते आते भाजपा की सवारी कर बैठे, लेकिन सफलता नहीं मिली और 2019 के पहले झामुमो के साथ खड़े हुए और विधानसभा चुनाव में जीत भी मिल गई। अब एक बार फिर से सिंहभूम सीट पर जोबा मांझी के नाम की घोषणा के बाद भी सुखराम उराव की सिंहभूम के अखाड़े में उतरने की चर्चाएं तेज हो गई है। अब चलिए यहाँ की सियासी समीकरण को भी समझ लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम की 6 विधानसभा क्षेत्र में से सरायकेला से चंपई सोरेन, चाईबासा से दीपक बिरुआ, मझगावा से नीरल पूर्ति, मनोहरपुर से जोबा मांझी और चकरधरपुर से सुखराम उराव जेएमएम का झंडा बुलंद किए हुए हैं। कोल्हान की इकलौती सीट जगन्नाथपुर कांग्रेस के पास है और दावा किया जाता है कि जगन्नाथपुर विधानसभा में मधु कोड़ा का मजबूत जनाधार है। और कांग्रेस के जगन्नाथपुर के वर्तमान विधायक सोनाराम सिंकू गीता कोड़ा से काफी क्लोज होने की वजह से लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा को जीत दिलाने में अपना पूरा साथ देंगे, क्योंकि सोनाराम सिंकू को विधानसभा पहुंचने में मधु कोड़ा ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे तो इतना तय है कि जगन्नाथपुर विधानसभा में निश्चित रूप से मधु कोड़ा की पकड़ मजबूत है, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की हो तो उसका फैसला सिर्फ जगन्नाथपुर से नहीं होगा। उनके सामने इस संभावित लीड को सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर और चकरधरपुर विधानसभा में बनाए रखने की चुनौती होगी। जिस तरह जगन्नाथपुर विधानसभा में मधु कोड़ा के जादू की चर्चा होती है, ठीक उसी प्रकार कोल्हान में देवेंद्र मांझी की कुर्बानी और संघर्ष की कहानी भी याद की जाती है। इस सियासी जमीन पर फतह हासिल करने के बाद ही गीता कोड़ा दिल्ली के सफर पर निकल सकती है।
जोबा मांझी कोल्हान में आदिवासी समाज की आवाज माने जाने वाले उस देवेंद्र मांझी की पत्नी है। 14 अक्टूबर 1994 गैलकेरा बाजार में अपराधियों ने बम धमाके के साथ देवेंद्र मांझी की हत्या कर दी थी। तब देवेंद्र मांझी की गिनती शिबू सोरेन के बेहद करीबियों में होती थी। एक तरफ जहां देवेंद्र मांझी जंगल बचाओ की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ शिबू सोरेन संथाल में महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। दोनों की मुलाकात हजारीबाग जेल में हुई। इसके बाद देवेंद्र मांझी की गतिविधियां और भी तेज हो गई। इसी दौरान 8 सितंबर 1980 को बिहार पुलिस ने दर्जन भर आदिवासी युवकों को गोली से भून दिया और इसके बाद देवेंद्र मांझी ने पूरे कोल्हान में जन आंदोलन की मजबूत इबादत लिख दिया, जिसकी गूंज तत्कालीन राजधानी पटना तक सुनाई देने लगी। लेकिन 14 अक्टूबर 1994 को आखिरकार उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी। आपको यह भी बता दें कि जोबा मांझी के पहले देवेंद्र मांझी भी 1985 में मनोहरपुर से विधायक रहे हैं और इसके पहले वह 1980 में वह चक्रधरपुर से विधानसभा पहुंचे थे, जबकि जोबा मांझी खुद 5 बार मनोहरपुर से विधायक रही है। इस हालात में यदि जोबा मांझी का सियासी सफर और मधु कोड़ा का सामाजिक पकड़ की बात करें, तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। हालांकि इन दोनों की सियासी सामाजिक पकड़ के साथ यदि हम झामुमो को उसके साथ जोड़कर देखने और समझने की कोशिश करें, तो भाजपा की स्थिति कुछ कमजोर पड़ती सी नजर आती है। और इसका कारण है चाईबासा के सभी 6 विधानसभा पर झामुमो कांग्रेस का एक तरफा कब्जा, जबकि आज के दिन में भाजपा का किसी भी विधानसभा पर कब्जा नहीं है। दूसरी ओर जिस गीता कोड़ा को उम्मीदवारी के सहारे इस बार वहां कमल खिलाने का ख्वाब बीजेपी पाल रही है, उस गीता कोड़ा को जीत में झामुमो के सियासत का कितना बड़ा योगदान था, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस हालात में देखना होगा कि झामुमो के इस ताकत के बगैर गीता कोड़ा कितना दमखम दिखला पाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग होता है, लेकिन यह इतना भी अलग नहीं होता है कि शून्य से शिखर तक का सफर तय हो, और वह भी उस परिस्थिति में जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज के बीच एक आक्रोश की लहर चल रही हो। यदि वास्तव में आदिवासी समाज के बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आक्रोश की लहर है, तो इसका लाभ भी जोबा को मिल सकता है। हालांकि अभी तक लोकसभा चुनाव अपने पूरे रंग पर नहीं आया है। भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में स्थापित हो चुके पीएम मोदी की रैली नहीं हुई है। अब देखना होगा कि उनकी एंट्री के बाद कोल्हान के इस सियासी जमीन में कितना बदलाव होता है, या एक बार फिर से कोल्हान के इस किले को ध्वस्त करने का सपना भाजपा का टूटता है। लेकिन एक और से अगर जोबा मांझी की थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गीता कोड़ा के पक्ष में सबसे बड़ी बात है उनका हो जनजाति का होना। अगर हम कोल्हान की भूमि की बात करें, तो वहाँ करीबन 29% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें से अकेले ही हो जनजाति के आबादी 56% के आसपास है। ऐसे में भाजपा का मजबूत संगठन के साथ उनको जाति फैक्टर का भी फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर समय रहते जिस प्रकार आदिवासी समाज की ओर से उम्मीदवार बदलने की मांग की जा रही है, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाता है, तो यह झामुमो के लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चले मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको झारखंडी जोहार।